स्वागत है एक बार फिर दोस्तों थोड़ा अपने YouTube चैनल डिस्कवर ऑफ माइंडसेट ते। फोकस यानी ध्यान, जे किसी भी चीज़ ते लाया जाए तां तुहानूं अपनी जिंदगी च हर वो चीज़ हासिल हो जाऊगी जिस दी तुसी कल्पना भी नहीं कीती होनी। फोकस कीते बिना ना तो पढ़िया जा सकता है ते ना ही किसी काम च सफलता पाई जा सकती है। एक स्टडी कीती गई ते जिहदे विच पाया गया कि अज दे इस इंटरनेट दे जमाने विच जिथे इंस्टा टिकटॉक ते बाकी शॉर्ट रील्स दा ट्रेंड है उसकी वजह नाल किसी भी इंसान दा फोकस सिर्फ 8 सैकेंड्स दा रह गया है, जिसका काफ़ी बुरा असर तुहाडी परसनल लाइफ च जरूर पै रहा है। जिस भी चीज़ से तुहाडा फोकस घट होएगा या नहीं होएगा उस फील्ड च या उस चीज़ च तुहाडे लई कामयाब होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जिहा है। इसकी जड़ है साडे माइंड च आउण वाली थॉट्स। तुसीं जे अपने बचपन तो लै के अज तक अपने हर एक दिन नूं नोट करोगे तां तुसीं पाओगे कि तुहाडा माइंड एक पल भी शांत नहीं होया होना। यह वीडियो देखते हुए जे तुसीं फोकस्ड हो तां तुसीं खुद नूं शाबाशी दे सकते हो, पर जे यह वीडियो देखते हुए भी तुहाडे माइंड च कुछ होर चल रहा या किसी होर काम बारे सोच रहे हो तां चांसिस ज़्यादा ने कि तुहाडा अटेंशन स्पैन या फोकस ज़्यादा देर तक नहीं रहिंदा। डांडा पाणी जो कि एक मेडिटेशन कोच ने ते कई सालों तो सिखा रहे ने कि किस तरह तुसी ध्यान लगा सकते हो, वो कहिंदे ने कि सानू हमेशा दस्या जांदा है कि तुसी इस फलाने काम च या पढ़ाई च ध्यान लगाओ, पर कदे भी इस नू किस तरह करना है यह नहीं सिखाया जांदा, क्योंकि जो भी सानू ध्यान लगाउण लई दसदे ने चाहे वह साडे पेरेंट्स होण या टीचर्स, उन्हां कोल भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुंदी। Most people can't concentrate today for two reasons. One is we're never taught how to concentrate. Second is we don't practice concentration. वो एग्जाम्पल दे के दस देने कि मैं जब भी यह सवाल पूछता हाँ कि जे किसी ने बास्केटबॉल डांस मार्शल आर्ट या कुछ भी सीखना हो तो उन्हें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए है, तो सामने जवाब आता है 6 या 8 घंटे रोज हफ्ते 6 दिन। तो फिर वो पूछते हैं कि मैं 6 महीने खेल के चैंपियन बन सकता हाँ या कोई मैडल जीत सकता हाँ, तो जवाब मिलता है कि तुम 6 महीने च मैडल तो नहीं जीत सकते पर बहुत वधिया हो जाओगे। वो कहते हैं जे 7 दिनों हर रोज़ 5 से 6 घंटे स्मार्टफोन या कोई गैजेट यूज़ करोगे तो रोज़ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो जिस नाल तुहाडा फोकस बहुत वीक हो जाएगा। इसे तरह डेरियस फॉरक्स जो कि अपनी बुक थिंक स्ट्रेट च दसदे ने कि किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ च फजूल दीआं गल्लां नूं सोचना छड्ड के अपने माइंड नूं फोकस कीता ते सही सोच दित्ती तां एक सक्सैसफुल इंसान बने। आओ इस नूं आपां ईजी तरीके नाल समझदे हां। पॉइंट नंबर 1, क्लीयर योर माइंड। 2014 विच डेरियस जो इस बुक दे राइटर ने वो अपने होम टाउन तो नौकरी की तलाश च लंडन आए, पर उत्थे जा के जिन्ना सौखा रहना ते सरवाइव करना उन्होंने सोचा सी वो इन्ना सौखा है नहीं सी। बड़ी मशक्कत दे बाद उन्होंने अपने ऑफिस तो काफ़ी दूर एक महंगा अपार्टमेंट रेंट ते मिलिया जिथे वो 2 महीने तो ज़्यादा नहीं रह सके। 2 महीने बाद उन्होंने ऑफिस के नेड़े एक 1-बेडरूम अपार्टमेंट रेंट ते लैण लई डील पक्की कीती ते जिस तो बाद डेरियस ने अपनी फैमिली नूं भी अपने होम टाउन तो लंडन शिफ्टिंग विच हैल्प करन लई बुला लिया। पर जिस दिन डेरियस नूं अपने नवे अपार्टमेंट च मूव होना सी उस तो 1 दिन पहला उत्थे दी लैंडलॉर्ड ने किसी वजह नाल वो डील कैंसल कर दित्ती, जिस तो बाद डेरियस पूरा दिन बहुत परेशान रहे ते यह सोच के अपने आप नूं कोसदे रहे कि मैं अपनी फैमिली नूं अपने कोल क्यों बुलाया ते हुण असीं कित्थे रहांगे। दिन खत्म हुंदे हुंदे डेरियस दे फादर ते ब्रदर ने डेरियस नूं हौसला दिता ते इहदा हल लभण नूं कहा। डेरियस ने अपने कबर्ड चों कॉपी ते पेन चक्किया ते कुछ इस तरह की इमेज बनाई। खब्बे पासे जो इमेज है वह साडे माइंड च आउण वालियां थॉट्स ने ते सज्जे पासे एक क्लीयर माइंड जो सिर्फ सोल्यूशन लभ रहा है। यह इमेज बनाउण तो बाद डेरियस सिर्फ वो प्रॉब्लम दे हल दे बारे सोचते रहे ते आखिर च उन्हां दे माइंड च एयरबीएनबी दा आइडिया आया, जिस तो बाद अगले ही दिन उन्हां नूं एयरबीएनबी दे रूम भी मिल गया। पॉइंट नंबर 2, प्रैगमेटिज्म। प्रैगमेटिज्म दा मतलब है कि अपनी कोई भी प्रॉब्लम लई उही चीज़ सोचना जो कि तुहाडे प्रॉब्लम नूं सॉल्व करदी होवे या कोई सोल्यूशन लैके आवे। जे उस प्रॉब्लम दा कोई भी हल नहीं है बस उसकी चिंता तुहानूं सता रही है या तुहाडे अंदर डर वाली थॉट्स आ रही है तो वह सब तुहाडे लिए यूजलैस होएगा। जिवें मान लो तुसी हर महीने कोई बैंक की किश्त भरदे हो पर किसी महीने तुहाडे कोल कोई सेविंग्स नहीं बची जिसका काफ़ी मोटा ब्याज तुहानू देना पएगा। हुण या तो तुसी इस दी टेंशन लै सकदे हो जो कि फजूल की सोच है, या प्रैगमेटिज्म दे बेस ते अपनी थॉट्स ते फोकस करके उही चीज़ सोचोगे जो उसका हल कढेगी। पॉइंट नंबर 3, इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेज आउटसाइड योर कंट्रोल। गुरु गौर गोपाल दास जो कि एक लाइफस्टाइल कोच ते मोटिवेशनल स्पीकर ने, वो कहिंदे ने साडी लाइफ 3 अल्फाबैट्स ते टिकी है जो कि ने बी सी ते डी। इहदे विच बी दा मतलब है बर्थ ते डी दा मतलब है डैथ। वो कहिंदे ने कि किसी भी इंसान ने किस देश किस धर्म या किस कास्ट विच पैदा होना या मरना है उस ते उसका कोई कंट्रोल नहीं, इत्थे तक कि उसका रंग काला होगा या गोरा, अमीर होगा या गरीब, तंदुरुस्त पैदा होगा या बीमार, इन्हां विचों किसी भी चीज़ ते इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। पर जिन्हां चीज़ां ते असी कंट्रोल कर सकते हैं उन्हां वास्ते साडी लाइफ दा मीनिंगफुल अल्फाबैट आउंदा है सी, जिहदा मतलब है चॉइस।
एग्जाम्पल के तौर पर ड्रिंक करना ना करना साड़ी चॉइस भी है तो असी इसनों कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूजे पासे जे एक लंबे सफर किसी की गड्डी खराब हो जाए तो उस सिचुएशन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। डेरियस भी अपनी बुक चेस का जिक्र करते हैं कि जिन्हों चीज़ों पर साडा कंट्रोल नहीं है उन्होंने छड़ के सानू सिर्फ उन्होंने चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिन्होंने असी कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 अजम्पशन वर्सिज फैक्ट्स। डेरियस दसते हैं कि असी दो वजह नाल डिसीजन लेने अजम्पशन के बेस से या फैक्ट्स के बेस से। इन दोनों सिंपल तरीके समझिए तो जे तुसी किसी नू मैसेज करो ते अग्यों तो अग्गों रिप्लाई ना आवे तो तुसी मान लोगे कि या तो उस बंदे च एटीट्यूड है या वह मैनू पसंद नहीं करता। पर जे तुसी फैक्ट के बेस से सोचोगे तो पहला तुसी चेक करोगे कि वह बंदा तुहानू वाकई हर बार मैसेज नहीं करता या सिर्फ इस बार, वो कॉल ते भी तरीके नाल गल करता या नहीं। ऐसे तरह जे कोई कहे कि मंगलवार या वीरवार नू बाल नहीं धोई दे या नौ नहीं कट्टी दे, इस ते तुसी अज्यूम करोगे या फैक्ट दे नाल समझोगे कि वाकई कोई वजह है या नहीं। दोस्तों थिंक स्ट्रेट जो बुक दियां गल्लां मैं तुहाडे नाल सांझियां कर रहा हाँ, इस बुक दे राइटर डेरियस फॉरेक्स ने 2 साल तक अपने माइंड नू ट्रेन किया ते अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस इस बुक विच शेयर किया है। जे तुसी भी अपने माइंड च चल रहे थॉट्स नाल हमेशा फाइट करते रहिंदे हो ते चाहुंदे हो कि मेरी सोच ते मेरे माइंड मेरे कंट्रोल च रहन तां इह बुक तुहाडे लई है। तुसी डिस्क्रिप्शन लिंक चैक कर सकते हो। मैं इसे तरह तुहाडे लई वैल्यूएबल वीडियोज़ बनाउंदा रहांगा। सबसक्राइब ते शेयर करो इस चैनल नूं। मिलदे हां इसे तरह की एक नवी वीडियो च। तद तक तुहानूं सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।